शांति। राजयोगिनी दादी जानकी जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी जानकी। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका। 104 वर्ष की विशाल आयु संपन्न करते हुए दादी जी ने संपूर्ण विश्व को मातृत्व के रूप में पालना दी। दादी जी के संपर्क में आने वाली हर एक को, भले वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी मान्यता वाला हो, लेकिन दादी जी से माँ का सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव होता था। सत्यता, स्वच्छता, सरलता और धैर्यता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित करने वाली महात्यागी तपस्वी मूरत रही दादी जानकी जी। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी जानकी जी का जन्म 1916 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही दादी जी इस भौतिक आकर्षण और वैभवों से दूर रहती थी। दादी जी अपने 21 वर्ष की आयु में ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। इस संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखते ही यह निश्चय कर लिया कि यह मेरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सही मार्ग है। उस समय से ही दादी जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता गया। नारी माना अबल नहीं सबल, नारी शक्ति स्वरूपिनी, इस बात को दादी जी ने सिद्ध करके दिखाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर शिक्षित किया। यज्ञ के शुरुआत में सभी दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के चेहरे पर वह दिव्यता प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित होने लगी। शुरू से लेकर दादी जी ने इस संस्था के सेवाओं का विस्तार करने में विशेष पाठ बजाया। 18 जनवरी 1969 को इस संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा अपने स्थूल देह को त्याग कर अव्यक्त हुए। तब से लेकर इस संस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इन दादियों के ऊपर रही। ब्रह्मा बाबा के पश्चात दादी प्रकाशमणि जी ने इस संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। प्रकाशमणि दादी जी को आदर्श लेकर उनके कुशल प्रशासन में जानकी दादी जी हाथ में हाथ मिलाकर इस संस्था की सेवाओं को विश्व के चारों ओर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ईश्वरीय आदेश अनुसार दादी जी पहली बार 1974 में विदेश में सेवा के निमित्त लंदन गई। दादी जी विदेशी भाषा न जानते हुए भी, वहां के रीत रस्म भिन्न भिन्न होते हुए भी, रूहानी प्यार के आगे सेवाओं में यह कोई भी रुकावट नहीं होगी, दादी जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। पश्चिमी जीवन शैली में पूरी तरह डूबे हुए लोगों को भारतीय संस्कृति संप्रदाय सिखलाना एक मुश्किल कार्य है, फिर भी दादी जी ने संभव करके दिखाया। अपने अनुभव युक्त प्रवचनों से, आदर्श जीवन से हर एक में एक नया उमंग भर के लाखों लोगों को जीने की कला सिखाई दादी जी ने। एक महिला होते हुए भी दुनिया के पांचों खंडों में 100 से अधिक देशों में लाखों किलोमीटर दूर भ्रमण किया। शायद इतना दूर सफर करने वाली महिला दुनिया में और कोई नहीं होगी। दादी जी ना ही केवल आध्यात्मिक प्रवचन देती, बल्कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय द्वारा अनेकों को प्रेरणा देती थी। दादी जी अपने शक्तिशाली साइलेंस स्थिति द्वारा वैज्ञानिकों सहित सभी को चकित करती थी। निरंतर योग साधना तपोबल से उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाया, जिसके फलस्वरूप 1978 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में दादी जी के मन की तरंगों का परीक्षण करके
उन्हें द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की बहुत स्थिर बुद्धि वाली महिला के रूप में उपाधि देकर सम्मानित किया। तब से लेकर दादी जी की प्रतिभा आध्यात्मिक शक्ति सारे विश्व में फैलने लगी। दादी जी की सेवाओं को आदर करते हुए ना सिर्फ लंदन की जनता ने बल्कि वहां की ब्रिटिश सरकार अधिकारी गण सहित सभी ने उनको संपूर्ण सहयोग दिया। 1991 में लंदन के शहर के बीच में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस नाम से एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। वहीं विदेशी सेवा के लिए निमित्त बन बाद में बाकी अनेक देशों में संस्था की शाखाएं खुलने लगी। वर्तमान समय दुनिया के 145 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खुले हुए हैं। यह सब दादी जानकी जी के द्वारा किए हुए सेवाओं का फल है। भारत देश सारी दुनिया के लिए एक विश्व गुरु है, आध्यात्म की जन्म स्थली है और स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है। यह संदेश सारे विश्व को देना ही दादी जी का मुख्य जीवन लक्ष्य था। दादी जी के नेतृत्व में अनेक धर्म सम्मेलनों के साथ साथ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स आयोजित हुए। विश्व के सभी धर्मों के व्यक्तियों से, धर्म गुरुओं से, राजनेताओं से, देशाध्यक्ष सहित अनेक जाने माने व्यक्तियों से दादी जी मिली और विश्व भलाई के लिए श्रेष्ठ समाज निर्माण के कार्य में उन्हें भी सम्मिलित होने का सविनय अनुरोध किया। दादी जी का दिल इतना विशाल रहा कि केवल आध्यात्मिक प्रवचन ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी अपना सहयोग देती रही। इसी उद्देश्य से 1997 में जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस यज्ञ के शुरुआत से ही जानकी दादी जी को सभी दादियों से बहुत प्यार रहता था। आपस में यह दादियां मिलते समय उनके निर्मल प्रेम, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह, एक दो को सम्मान देने का वह दृश्य बहुत प्यारा लगता था। सर्व दैवी गुण इन दादियों के आचरण में दिखाई देते थे। सन 1969 से लेकर सन 2007 तक यानी 38 साल दादी प्रकाशमणि जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रही। 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग कर अव्यक्त हुई। उसके पश्चात 27 अगस्त 2007 से दादी जानकी ने इस संस्था का मुख्य कार्य व्यवहार की जिम्मेवारी संभाली। भारत के अनेक स्थानों में दादी जी भ्रमण करके अनेक आत्माओं को अपने वरदानी दृष्टि से, अनुभव युक्त प्रवचनों से ईश्वर अनुभूति करा के उन्होंने शक्ति भरती थी। अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने की कला सिखाई दादी जी ने। दादी जी को देखते ही हर किसी को एक नया उमंग उत्साह और आत्मविश्वास की अनुभूति होती थी। सिर्फ भारत देश ही नहीं अपितु विश्व के 145 देशों में स्थित ईश्वरीय सेवा केंद्रों का संचालन दादी जी कुशलता पूर्वक किया करती थी। नए विश्व के निर्माण में संलग्न 40,000 समर्पित भाई बहनों की प्रेरणा मूर्त रही दादी जी। दादी जी द्वारा किए हुए सेवाओं को सराहना करते हुए 2011 में आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दादी जानकी जी को नियुक्त किया गया। पर्यावरण परिरक्षण के क्षेत्र में भी दादी जी का विशेष योगदान रहा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किए गए हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दादी जी अपने संस्था के माध्यम से विशेष सहयोग देती रही। ऐसे सदा समस्त आत्माओं की सेवा में मग्न रहने वाली दादी जी को स्वयं परमात्मा भी अपने वरदानी हस्तों से, दुआओं से अनंत शक्तियां भरते थे। सीट पर सीट होना। बाप दादा सदा दादी जी को
जनक बच्ची कहकर बुलाया करते थे और उसी नाम के अनुरूप दादी जी सदा ट्रस्टी होकर विदेही अवस्था में रहती थी। भगवान के दिल में विशेष स्थान प्राप्त करने वाली अमूल्य रत्न थी दादी जानकी जी। परमात्मा का ज्ञान मुरली से दादी जी को बहुत प्यार था। वे सदा ये कहा करती थी कि मुरली ही मेरे प्राण है, मेरी जानकी की है मुरली, इसलिए जिंदा है। समझ रहे हो ना, अंदर से मुरली से जान आ गई है। दिन में अनेक बार उस मुरली पढ़कर विचार सागर मंथन करके ज्ञान के गुह्य रहस्यों को दादी जी स्पष्ट रूप से सुनाती थी। यह कला परमात्मा से दादी जी को एक वरदान के रूप में प्राप्त थी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन सदा विल पावर से एवं सदृढ़ मनोबल से वह अपने शरीर को चलाती थी। दादी जी बहुत बार यह बात याद दिलाती थी कि दवाइयों से भी ज्यादा परमात्मा और आप सब की दुआएं ही मुझे चला रही हैं। इस प्रकार लाखों करोड़ों के दिल में स्थान प्राप्त करने वाली दादी जी ने अपने संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके 27 मार्च 2020 को इस भौतिक देह को छोड़ दिव्य फरिश्ता बनकर उन फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म वतन में उड़कर चली गई। उनके यादगार में बहुत सुंदर शक्ति स्तंभ शांतिवन में बहुत प्यार से बनाया गया। आने वाले दिनों में यह शक्ति स्तंभ हर किसी में रूहानी शक्ति भर के स्व उन्नति करने के लिए एक तपस्या स्थान बनेगा, ऐसी शुभ भावना हम रखते हैं। दादी जी द्वारा किए गए इस विश्वव्यापी सेवाओं को सम्मान करते हुए भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2021 को दादी जी की स्मृति में 5 रुपए वाली एक डाक टिकट भी रिलीज की है। ऐसे अनेक विशेषताओं से संपन्न दादी जी भले स्थूल रूप से हम सभी से दूर हो गई हो, लेकिन उनकी दी हुई अनमोल शिक्षाएं, दिव्य प्रेरणाएं, उनसे मिली हुई अलौकिक पालना व अनुशासन, मीठी यादें सदा हमारे मन में, दिलों में सदा काल के लिए अमर रहेगी। ऐसे विशेष दादी जी को हम सब की ओर से दिल से कोटि कोटि नमः, सुमांजलि और स्नेह पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति।